आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद महिलाएं सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पाने में कामयाब हो गई। केरल के सबरीमाला मंदिर में बुधवार को भारी विरोध के बीच 50 साल की कम उम्र की दो महिलाओं ने प्रवेश कर इतिहास रच दिया है। मंदिर में प्रवेश करने वाले महिलाओं के नाम बिंदु और कनक दुर्गा है। उनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। दोनों महिलाएं मंदिर में घुसी और सुबह 3:45 पर भगवान के दर्शन किए। इन दोनों महिलाओं ने पिछले महीने भी मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। दोनों महिलाओं के साथ साधारण कपड़ों में और यूनिफॉर्म में कुछ पुलिसकर्मी भी थे। सुप्रीम कोर्ट से सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिलने के लगभग 3 महीने बाद पहली बार महिलाओं ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा के दर्शन किए। मंदिर के 800 साल के इतिहास में पहली बार दो महिलाओं ने यहां प्रवेश कर भगवान अयप्पा की पूजा की है। इसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है और बढ़ते विवाद की आशंका को देखते हुए मंदिर को अगले 2 दिनों तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि आज फिर से मंदिर को खोल दिया गया। दोनों महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने के CCTV फुटेज सामने आए हैं। वो दौड़ती हुई मंदिर के अंदर जाती नजर आ रही हैं। दोनों महिलाएं उत्तरी केरल की रहने वाली हैं। पेशे से वकील बिंदु और सामाजिक कार्यकर्ता कनक दुर्गा ने बताया कि उन्होंने पुरुषों के कपड़े में मंदिर में प्रवेश करके दर्शन किया। दोनों के मुताबिक इस दौरान दर्जन भर पुलिसकर्मी भी सिविल ड्रेस में उनके साथ मौजूद रहे। महिलाओं के दर्शन के बाद मंदिर के शुद्धिकरण करने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए कुछ देर बंद रहा और अब इसे वापस दर्शन पूजन के लिए खोल दिया गया है। बिंदु कॉलेज में लेक्चरर और भाकपा माले का कार्यकर्ता है। वहीं कोझिकोड जिले के कोईलैंडी की रहने वाली हैं। कनक दुर्गा मल्लेपुरम के अगंदीपुरम में एक नागरिक आपूर्ति कर्मी है। वो दोनों 24 दिसंबर को सबरीमाला आई थी। मंदिर में प्रवेश करने के लिए दोनों महिलाएं एम्बुलेंस में मंदिर तक पहुंची थी। दोनों महिलाओं के दर्शन के लिए पुलिस ने पहले से इंतजाम किए थे। पुलिस ने दोनों के दर्शन का वीडियो भी जारी किया है। साथ ही प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा उनके परिवारों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विजयन ने दोनों महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने की घटना की पुष्टि की। विजय ने कहा कि पहले ये महिलाएं ट्रैकिंग नहीं कर पाई थी, इस बार वे कामयाब रही। बिंदु ने बाद में मीडिया को बताया कि हमने मंगलवार को ही पुलिस से संपर्क साधा था, इसके बाद हमें मदद का आश्वासन दिया गया था। बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान जब उनसे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है, एक छोटे से दायरे में, कि यहाँ पुरुष नहीं जा सकते और पुरुष नहीं जाते। कुछ मंदिर है जहाँ ये है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो महिला जज का जजमेंट है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रिब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं क्या आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में हर उम्र की महिला को प्रवेश देने की इजाजत दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ केरल के राज्य परिवार और मंदिर के मुख्य पुजारियों समेत कई हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले यहां 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। ये प्रथा 800 सालों से चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे राज्य भर में विरोध हुआ था। आदेश के बाद 16 नवंबर को तीसरी बार मंदिर खोला गया। मंदिर 62 दिनों की पूजा के लिए खुला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी विरोध के चलते 1 जनवरी तक कोई महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई थी। आइए अब हम आपको बताते हैं इससे पहले कब कब मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की गई। 23 दिसंबर को 11 महिलाओं के एक समूह ने भी मंदिर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका विरोध हुआ। महिलाओं के इस समूह का नेतृत्व सेल्वी कर रही थी, जिनका संबंध तमिलनाडु के मनीति महिला समूह से है। भक्तों द्वारा पहाड़ी पर चढ़ने से उन्हें रोकने और भगाने पर इन महिलाओं को पंबा के मुटेरे के लिए वापस जाने को बाध्य होना पड़ा था। 10 से 50 साल के बीच की उम्र वाली ये 11 महिलाएं भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पंबा शहर सुबह 5:30 बजे पहुंच गई थी। ये महिलाएं रविवार सुबह 11 बजे पंबी में ही बैठी रहीं और पहाड़ी की चढ़ाई के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करती रहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने का आदेश दिया है। बावजूद इसके भगवान अयप्पा के भक्त महिलाओं को एंट्री नहीं दे रहे थे। आइए अब जानते हैं क्या है सबरीमाला मंदिर का पूरा मामला।
बता दें कि केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में 10 साल से लेकर 50 साल के उम्र तक की महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। परंपरा के अनुसार माना जाता था कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे और जो महिलाएं रजस्वला होती हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यहां सिर्फ छोटी बच्चियां और बूढ़ी महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ बनाई थी। इनमें 4-1 से फैसला दिया गया था कि सबरीमाला मंदिर में किसी भी आयु वर्ग की महिला को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। इस 5 सदस्यीय पीठ के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति नरीमन, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AM खानविलकर शामिल थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।